I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज माशाल्लाह से 2 डेज़ के हो गए हैं बिनी के बच्चे, एंड आई नो आपको बहुत ज़्यादा वेट है बिनी के डिलीवरी व्लॉग का। तो ये देखें जी, बाबा जी भी कैसे बैठे हुए हैं। मैक्स बिनी के पास बैठा है। ये बिनी के पास इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि बिनी रो रही थी। अच्छा हुआ ये कैसे इसकी डिलीवरी हुई है, तो ये परसों मॉर्निंग में हम लोग सो रहे थे, तो सुबह सुबह आकर ये मेरे पास रोने लग गई और मुझे उठाने लग गई ना कि उठ जाओ और मेरे पास आ जाओ। तो इसको मॉर्निंग के टाइम से ही इसको लेबर पेन स्टार्ट हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने इसको कॉटन, हमारे घर में नहीं था कोई, तो साथ शॉप से जो है हमें ये छोटा सा ही लेस का मिला अभी फ़िलहाल, तो हमने उसी में ही इसको एक खेस बिछा कर दे दिया ताकि ये इसके अंदर बेबीज़ डिलीवर कर सके। और आप देखें इसको, जैसे ही हमने इसको बॉक्स दिए सारे बच्चे इसके पास जमा हो गए हैं कि ये अब पता नहीं क्या होने लगा है। इनको हर नई चीज़ जो कोई डिफरेंट काम हो रहा होता है ना, इनको बड़ा इंटरेस्ट होता है उसमें। सारे बच्चे बिनी के पास आ रहे हैं, देख रहे हैं कि इसको क्या हुआ, ये अंदर क्यों बैठ गई है। मैंने पहले भी आपके साथ अपनी कैट्स के डिलीवरी ब्लॉग्स शेयर किए हुए हैं, तो आज मैं फिर शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो न्यू ऑनर्स होते हैं जिनकी कैट्स के बेबीज़ होने वाले होते हैं या हो गए होते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही होती है कि हमने क्या करना है, कैसे संभालना है, कैसे पता चलेगा कि हमारी कैट के बेबीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप बिनी की कंडीशन देख सकते हैं कि बिनी रो रही है और बिनी को ना बहुत ज़्यादा ना घबराहट हो रही है और ये ऐसे मुंह खोल लेती है। अक्सर मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि हमारी कैट के डिलीवरी की डेट आ गई है और वो इस तरह से क्यों कर रही है, सांस मतलब मुश्किल से ले रही होती हैं कैट्स। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं क्योंकि कैट लेबर पेन में होती है, उसको उसका दिल घबरा रहा होता है और यहाँ पर देखें उसके बेबीज़ होने वाले हैं, तो इसलिए उसने ज़ोए के बच्चों को भी प्यार करना स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे जो बिनी की कंडीशन है, सारा दिन में मैं थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाती रही हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ होता है डिलीवरी के टाइम पे और कैट्स किस तरह से रिएक्ट कर रही होती हैं। कैट की डिलीवरी जो है 63 to 65 डेज़ में होती है, तब तक उसके बेबीज़ मैच्योर हो चुके होते हैं और उसका डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है। और ये टाइम आपने कैट की जिस दिन से मेटिंग होती है ना, उस दिन से आपने इसको काउंट करना होता है। यहाँ पे साशा और बगीरा कितने क्यूट लग रहे हैं इसके पास बैठे हुए हैं, और इस टाइम पे आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, अपनी कैट के पास रहना है क्योंकि उसको इस टाइम आपकी ज़रूरत होती है। और आपने इस टाइम कैट को अकेला नहीं छोड़ना क्योंकि कैट अक्सर ऐसा होता है कि बेबीज़ पैदा कर देती है, हमें पता नहीं चलता, कभी कभी उसका प्लेसेंटा अंदर रह जाता है तो उससे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं और कैट की डेथ हो सकती है। बिनी बिनी आ जाओ इधर, अंदर आओ, मुझे मिला बेटा, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर बिनी। सुबह से बिनी ने ना रोना डाला हुआ है और अभी इस टाइम 2:30 बज रहे हैं और अभी तक इसके बेबीज डिलीवर नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे आज।
और बॉक्स में भी नहीं बैठ रही, हम इसको बॉक्स में इसीलिए बिठा रहे हैं ताकि अगर इसमें बेबीज देगी ना फिर उनको यहीं पर रखेगी, अगर उसने बॉक्स में ना दिए तो फिर इधर उधर लेके भागेगी। बिनी बिनी, सुबह से बिनी ना लेबर पेन में थी और अभी 8 बज गए हैं रात के और अब इसने फर्स्ट बेबी डिलीवर की है। ये देखें, ये आपको उसका सर नज़र आ रहा होगा, ये इसने अभी फर्स्ट डिलीवर की है। माशाल्लाह बहुत हेल्दी बेबी हुआ है। और दो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट कर दो, तो आपकी कैट की जब भी डिलीवरी होने वाली होगी आपने उसको इसी तरह से कोई आपने कंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है आपने, ताकि वो रिलैक्स होके दे सके। यहाँ पे मैं उसको अलग दूसरे रूम में ले आई थी बाकी बच्चों से दूर, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अब पहली बात तो ये कि आपने उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देना है, ठीक है, कोई बॉक्स वगैरह दे देना है। सेकेंड चीज़, वो जब भी बेबीज देगी आप उसके पास बैठेंगे, क्योंकि जितने कैट बेबीज पैदा करती है हर बेबी की दफ़ा जो है एक डिफरेंट प्लेसेंटा होता है। हर बेबी का प्लेसेंटा क्या होता है, जो इसको झिल्ली कहते हैं बिल्ली की, वो हर बेबी की दफ़ा होता है, निकलता है, और वो निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर अंदर रह जाए तो वो पॉइजन बन जाता है और कैट की डेथ हो जाती है। और ये इशू मेरी 2 कैट्स के साथ हो चुका है और फिर उनका हमें ऑपरेट करवाना पड़ता है, सिजेरियन करवाना पड़ता है। तो ये हमारी हेज़ल और साशा के साथ इशू हुआ था। मैं किसी दिन इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे बिनी ने अपना प्लेसेंटा फर्स्ट बेबी का रिमूव कर लिया और वो इसको अब खा रही है। अच्छा, ये कुछ कैट्स ऐसा करती हैं, कुछ कैट्स खा जाती हैं और कुछ कैट्स नहीं खाती हैं। तो अगर तो खा ले कैट तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अगर कैट नहीं खा रही है तो फिर आपने इस प्लेसेंटा को आपने कहीं पे दफना देना है, मिट्टी खोद कर ना आपने उसको दफना देना है। ये जो लोग कहते हैं घर में रखें रिस्क आएगा, ये वो, प्लीज़ इन चक्रों में ना पड़े, ये सब जहालत है, ये सुपरस्टिशियस थिंग्स होती हैं, इन पर आप ना जाए। और एक और बात, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कैट एग्रेसिव होती है, कैट को समझ नहीं आती, वो प्लेसेंटा के साथ साथ वो अपना बेबी भी खा जाती है। कुछ लोगों के, मुझे इस तरह के भी लोगों ने अपने साथ एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, आपने पास बैठना है और बेबी की भी केयर करनी है और कैट को देखना है कि वो क्या कर रही है। और यहाँ पे बिनी ने माशाल्लाह से दूसरा बेबी पैदा कर दिया है। ये बिनी और मैक्स के बच्चे हैं। अच्छा, मैक्स मफिन का बेटा है तो इसलिए ये इनकी ब्लड लाइन में है कि इस तरह के कलरफुल बच्चे पैदा होते हैं। और बहुत प्यारे ब्राउन कलर का, मैं के जिस तरह का मेरा हेयर डाई है उस कलर का बेबी पैदा हुआ है। तो ये भी फीमेल है और मोनी से इसका कलर डार्क है। मोंकी जो हमारा था उससे मिलता जुलता इसका कलर है, बहुत प्यारी थी माशाल्लाह। और इसने, बिनी ने 3 बच्चे पैदा किए। बिनी का देखें कितना दिल घबरा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। बिनी जो है इसकी एज है 2.5 साल। और एक मज़े की बात बताऊँ, बिनी और मेरी डेट ऑफ बर्थ सेम है। ये मेरी बर्थडे वाले दिन पैदा हुई थी और उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश में ये पैदा हुई थी। सो बिनी और मेरी डेट ऑफ बर्थ सेम है, 2.5 साल की है और ये मफिन और जोए की बेटी है। और बिनी ना हमारी नूर की बड़ी बहन है, क्योंकि नूर की मदर भी जोए है लेकिन नूर का जो फादर है वो डिफरेंट है, वो मफिन नहीं है। सो बिनी और नूर जो है वो मदर साइड से दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं। बिनी इतना दिल घबरा रहा है मेरी जान, मेरे बेटे का। बिनी, सारी कैट्स दूसरे रूम में और मैं इसको यहां ले आई हूं। मेरा बेटा।
अब यहाँ पर बिनी जो है वो सेकंड बेबी का प्लेसेंटा खा रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, बिनी भी और बेबी भी, ब्लड लग गया है। अब यहाँ पर मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारी कैट ने बेबीज पैदा की हैं तो वो बहुत गंदी हो गई है, क्या हम उसको नहला दें? नो, आपने इस टाइम पे कभी भी कैट को नहीं नहलाना। कैट जो है उसकी, अल्लाह ताला ने उसको इस तरह की एक टंग दी हुई है, ब्रिस्टल लाइक उसकी टंग होती है ब्रश की तरह, वो अपने आप को और अपने बेबीज़ को लिक करके क्लीन कर देती है। आपने इस टाइम पे बिल्कुल भी कैट को नहीं नहलाना, वरना उसके कैट के लिए भी वो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, कैट के ऊपर भी और उसके बेबीज़ पर भी होगा। कैट खुद ही क्लीन कर लेती है बेबीज़ को और अपने आप को, आपने उसको बिल्कुल रिलैक्स रखना है। और प्रेग्नेंट कैट की केयर इस तरह से भी की जाती है कि आपने ना आपकी कैट को आपने प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी डाइट देनी है, लेकिन अगर आप अपनी कैट को सिर्फ आपने एक डाइट पे रखा है, बेशक आप उसको ज़्यादा खिला रहे हैं खाना क्योंकि प्रेग्नेंट मदर को खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन आपने उसको एक ही डाइट पे रखना है। अगर आप उसको प्रेगनेंसी में बिस्किट्स दे रहे हैं तो आप उसको डिलीवरी के बाद ही बिस्किट ही खिलाएंगे। आपने ऐसे नहीं करना कि उसको डिलीवरी के बाद आप उसको चिकन भी देने लग जाएं ज़्यादा ज़्यादा, या फिश देने लग जाएं, क्योंकि अगर कैट की डाइट आपने डिलीवरी के बाद चेंज की तो फिर कैट जो उसके बच्चे जो होंगे, क्योंकि वो मदर फीड पे होंगे तो बच्चों को डायरिया हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी में कैट को जो भी डाइट दे रहे हैं, आप फिश दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं, बिस्किट सब मिक्स दे रहे हैं, काफ़ी कुछ दे रहे हैं, जो डाइट कैट की प्रेगनेंसी में होगी ना वही आपने डिलीवरी के बाद रखनी है, बस आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। क्योंकि अगर आपने डाइट चेंज की तो उसका फौरन इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पर आता है और बच्चों को डायरिया हो जाता है। और यहाँ पे देखें कितना माशाल्लाह इसका प्यारा कलर है, इतने प्यारे कलर का बेबी पैदा हुआ है, और अब बिनी ने अपना थर्ड बेबी भी माशाल्लाह से डिलीवर कर दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे हम लोग रात से बिनी के पास बैठे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और यहाँ पर अब सुबह हमने नमाज फजर की पढ़ ली है और हल्का हल्का सा ना दिन निकलना स्टार्ट हो गया है। हम क्यों पास बैठे हुए हैं, ये आपने भी ये काम ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद ही पैदा होते हैं तो वो फ़ौरन फीड करना स्टार्ट कर देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बिनी के बच्चे ऐसे थे कि उनको फीड करना ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो मैं पूरी रात मैं और फ़ुज़ैल उनको बिठाते रहे हैं कि किसी तरह से वो फीड कर लें कर लें। नेक्स्ट डे उन्होंने जाके सीखा है, और ये काम आपने 2-3 दिन लाजमी करना है, बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है। जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनको हर 2 घंटे के बाद फीड की ज़रूरत होती है, फीड करने की, और उनको आपने ख़ुद करवाना है। कैट को थोड़ा सा नीचे से शेव कर दें ताकि उसके जो निपल्स है वो प्रोमिनेंट हो जाए और बच्चे आराम से दूध पी सकें। अगर इस टाइम पर बच्चों को मदर फीड ना मिली तो बच्चों की डेथ हो जाती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम चले मिल्क रिप्लेसर ले आएंगे वो पिला देंगे, तो मिल्क रिप्लेसर हर बच्चे को सूट नहीं करता, बहुत कम सूट करता है, बच्चों की तब ही डेथ हो जाती है। जो एनर्जी यहाँ पे इनको अपनी माँ के दूध से मिलेगी ना वो इनको नहीं मिल सकती। और ये 3-4 दिन आप इनके ऊपर ये मेहनत करें, हम बिनी के साथ अब तक उसके सर पर हैं, बार बार देख रहे हैं, सारी सारी रात मैं उसको देखती हूँ कि बच्चे फीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को स्टेबल सिर्फ उनकी माँ का दूध ही कर सकता है। अच्छा हुआ है हमारे घर में इस टाइम भी 2 और मदर्स भी हैं, जैसे कि आपको पता है जोए भी है हमारे पास और हमारे पास बिनी भी है, लेकिन ये बच्चे माशाल्लाह से इतने तेज़ हैं। पहले जो बच्चे होते थे ना वो डिफरेंट मदर्स को फीड कर लेते थे, ये बच्चे इतने तेज़ माशाल्लाह हैं कि इनको अपनी माँ की स्मेल का पता है। ये ना जोए को फीड कर रहे हैं ना ये मिनी को फीड करते हैं, अपनी माँ को दूँ तो फिर माँ को ही फीड करते हैं, ये इतने माशाल्लाह चलाक बच्चे हैं। मैक्स आपके बेबीज हुए, ये देखो माशाल्लाह से 3-3 बेबीज मैक्स के। मैक्स इधर से आओ ना मेरी जान, कुछ नहीं कहती बिनी आपको। बिनी से डर रहा है। फिर आपने देखे बेबीज, बिनी तो किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही है, वो समझ रही है इसके बच्चों को मारेंगे सब।
फिलहाल तो बिनी किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही है। अभी मफिन और मैक्स आए थे, उन दोनों को उसने मारकर भगा दिया। उसको लग रहा है कि मेरे बेबीज़ को ये हार्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, बट मैं आज रात तक इन बच्चों को और बिनी को उस रूम में लेके जाऊंगी और इनको साथ एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, एक पूरा दिन और एक पूरी रात तो मैं इन बच्चों को नहीं लेके गई ना एसी में, लेकिन बिनी जो थी उसको बहुत गर्मी लग रही थी और वो एसी के बगैर नहीं रह पा रही थी। तो फिर मुझे मैं ले गई बच्चों को उस रूम में, लेकिन वो मदर के साथ रहते थे, तो फिर थोड़ा सा ये था कि मैंने उनको डायरेक्ट एसी के सामने नहीं रखा था, लेकिन इनकी मदर की वजह से मुझे लेके जाना पड़ा। आप नॉर्मल, अगर आपकी कैट को एसी में रहने की आदत नहीं है तो आप नॉर्मल इनको फ़ैन के नीचे ही रखें। मैं और फुज़ैल अब यहाँ पे बिनी को लाइट लाइट सा शेव कर रहे हैं। मेरे पास ट्विंकल रेज़र था तो मैं उसी से ही कर रही हूँ। बहुत एहतियात के साथ आपने करना है, या आप सीज़र से भी कट कर सकते हैं। कैट की स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कट नहीं लगना चाहिए। सो मैं बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ ताकि बच्चों को ना आराम से वो फीड कर सके। वो देखें छोटा मुझे लिख कर रहा है मेरे हाथ को। तो आज मैंने आई होप आपको डिलीवरी से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे जो आपको क्वेश्चंस होते हैं डिलीवरी के टाइम पर। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करनी है। मैं और फुज़ैल तो हम दो दिन से इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। उफ, हम लोग तो थक गए हैं, रात को प्रॉपर सो भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है हमारी कैट के लिए और इन बच्चों के लिए, इनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जब ये आप ख्याल नहीं करते ना, तो फिर तभी लोगों के ना कैट के बच्चे जो हैं उनकी डेथ्स हो जाती हैं। सो बस ये तो सब चलता रहता है, जैसे इंसानों को केयर की ज़रूरत होती है तो इनको भी केयर की ज़रूरत होती है, और ये भी हमारे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली हमने ही इनका ख्याल रखना है। सो अब तो आपको मेरे व्लॉग्स पे ये नज़र आते रहेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।